हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कभी कभार व्लॉग्स। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा कभी कभार व्लॉग्स में। तो इस बार हम जा रहे हैं एक ट्रिप में, जो दीपू भाई बताएंगे आपको। दीपू भाई, कहाँ की ट्रिप है हमारी, कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों को। और दीपू भाई ने जैसे कि अपना तैयारी करी ली है। दीपू भाई, ये क्या है? ये हमारा टेंट जिसमें हम कैंपिंग करेंगे। अपना बूट स्पेस दिखाते हैं अपनी कार का। तो दीपक भाई भाई फुल परफॉर्मेंस में, दीपक भाई मेरे को लगे हुए थे कि अपनी बाइक की सर्विस करा, हम जा रहे हैं टूर। तो हमने कहा ठीक है, हमारा बूट स्पेस है, फुल हो चुका है, बिकॉज अभी हमने बहुत कुछ भरना है इसमें। चंबाना सामान कहाँ से लाया? तो अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए। आ रही परसों ही, तो मैंने परसों ही अपनी बाइक की सर्विस कराई दीपू भाई के चक्कर में, क्योंकि दीपू भाई बोल रहे थे कि हमें करना है टूर, वो भी कैंप का एक दिन का। और वहाँ पे ऑफ रोडिंग है गाइस, कार तो जा नहीं पाएगी, कार हम कर देंगे मार्केट में खड़ी। तो चले चलता। तो पहुंच चुके हैं कुछ इस प्रकार की लोकेशन पे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरा नानी का गांव है, जरदार गांव। और अभी हम नांगड़ी में, और यहाँ पे रोहित भाई भी बैठे हुए हैं। रोहित भाई और मैं इंतज़ार कर रहे हैं दीपू भाई और साहिल भाई का। वो दोनों हैं वहाँ उधर सामने, आपको मार्केट थोड़े दिख रहे होंगे उस साइड, वो कैंपिंग का सामान लेने गए हैं कुछ। और अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत आग लग चुकी है इधर उधर, वहाँ आप देख ही सकते हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है उस साइड। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जरदार गांव वालों के लिए कि ये आग मत लगाया करो यार, इतनी अच्छी लोकेशन की है, ऐसी मत करा करो। हाँ, तो अरे एक और चीज़, अब मैं कैमरा देने वाला हूँ अपने छोटे भाई को। अरे उसकी आवाज़ पहचानना, क्यों रोहित भाई, शकल तो हम दिखाएंगे नहीं, उसकी आवाज़ पहचानना बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कभी कभार व्लॉग्स। तो आपने मेरी आवाज़ साहिल से पहचान ही ली होगी, क्योंकि साहिल से मुझे पता भी नहीं है। और काफी ज्यादा मस्त लोकेशन है यहाँ की, जैसे आप देख सकते हो एकदम डेंजरस। और ये वाला पहाड़ जो आपको सामने दिख रहा है, इसके ऊपर हमने लगाना है कैंप, इस पे लगाना है हमने कैंप। और यहाँ पे पुलिस वाले आ गए, तो हम यहाँ पे थोड़ा चुप रहते हैं। काफी व्लॉग मतलब इतना डेंजरस लोकेशन है वहाँ ऊपर, वहाँ हमने कैंप लगाना है। रात में हम साहिल से वहीं रहेंगे, तो काफी ज्यादा मस्त कैंप है। और आगे एक नहाने की जगह है जो बहुत ही ज्यादा मस्त है, उसका व्लॉग भी आपको मिलेगा। और मतलब वहाँ जब हम जाएंगे ना, तो आप देखना वहाँ के नजारे एकदम डेंजरस। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता। और ये आग की वजह से ऐसी की तैसी हो रखी है, नहीं तो जब हरियाली का मौसम रहता तब तो एकदम लल्लनटा। तो रोहित भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते तो जरूर कहिए व्लॉग में बिल्कुल। ओ माय गॉड, मस्त है, लग मेरा पीक टू पीक पॉइंट है बिल्कुल। ये साहिल भाई और दीपू भाई आगे जा चुके हैं, अभी हम आपको एक लोकेशन दिखाएंगे नहाने वाली, जहाँ पे वो लड़के लोग नहा रहे हैं। हमने यहाँ पे लगा दी अपनी बाइक, और ये हमारे शिवजी भगवान का मंदिर जरदार गांव नांगड़ी। और यहाँ से चल रहे हैं हम आगे की ओर। तो देखते हैं गाइस, आपको एक स्विमिंग पूल दिखाते हैं जो बिल्कुल सरकार द्वारा बनाया गया है यहाँ पे, बिल्कुल नहाने के लिए। अपने टीरी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वहाँ बराड़ी में कुछ नहीं है भाई। और थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे कुछ अभी नहाने के लिए तो बिल्कुल रेडी मेरे हिसाब से है नहीं है, पर लड़के नहा जाते, यू नो गांव के लड़के वेरी गुंडे लोग। वेरी नेक्स्ट इवनिंग। हाँ, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। यहाँ पे हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क, हम आए उधर से सामने गांव से, उधर साइड से इधर, ये कुछ यहाँ यहीं तक है रास्ता, यहाँ पे खत्म। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ पे हमारे साथ नए दोस्त आर्यन भाई। आर्यन भाई कुछ कहेंगे, सब्सक्राइब करने को तो बोल दो। और यहाँ पे दीपू भाई बहुत खुश हो चुके हैं, इन्होंने अपना कम्बल निकाल दिए। हाँ हाँ, सब ले जाओ। हाँ तो गाइस, यहाँ पे लौंडे कंफ्यूज हो चुके हैं, सामान क्या ले जाना है, देखिए। दीपक भाई का नौकर बना दिया, जबकि पूरा खर्चा दीपक भाई का इस ब्लॉग में नौकर बना दिया है साला यहाँ।
चलो तो दीपक भाई को छोड़ के आगे चलते। आज भी इस बार भी हमारे साथ एक कुत्ता है गाइस ये, और आर्यन भाई पूरा प्रेशर कुकर। अरे हाँ तो गाइस ये अपनी लेबर आ चुकी है। और दीपक भाई एक मिनट भाई, कितना दूर होगा अभी यहाँ से? कितना होगा? 200 मीटर दूर। चलो ठीक है, चलो साहिल भाई आगे चलो आप इस पैर को लेके, और अपनी लेबर भी जा चुकी है आगे। 200 मीटर दूर है गाइस अभी यहाँ से पैदल पैदल। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens, gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like a in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. गाइज हम पहुंच चुके लोकेशन पे, कुछ ऐसी हमारी लोकेशन, हालत ख़राब हो चुकी है पैदल चलते चलते। खैर इनकी बात कुछ नहीं है, इनको को तो क्या ही जाता है भाई, कैमरा मैन की हालत ख़राब। इन्हें तो हटाओ इन्हें तो हटाओ भाई। साहिल भाई लेबर कपड़े ले लो कपड़े। साहिल भाई कैसा लगा आपको बाइक चला के ऐसी खराब रोड पे? ऐसे ऐसे एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो लोकेशन है कुछ इस टाइप की, यहाँ लगाते हैं हम टेंट या फिर वहाँ, हम कुछ नहीं पता अभी कहाँ लगाना है टेंट। दीपक भाई से थोड़ी राय लेंगे। तो दीपू भाई आपको क्या लगता है हम कहाँ लगाएंगे टेंट, यहाँ नीचे के यहाँ ऊपर साइड? यही पे रहा है, यही पे लगाएंगे हम फिलहाल। तो अभी तो हम सेटअप देख रहे हैं, अभी यहाँ सूखा सूखा घास नहीं चाहिए हमें बिल्कुल, क्योंकि हमें आग भी जलानी है और खाना बनाना है, तो हमें चाहिए सिर्फ हरियाली। तो देखो दोस्तों हम हैं यहाँ नए बंदे, तो यहाँ जो पुराना बंदा है आर्यन भाई, तो आर्यन भाई हमें कहाँ लगाना चाहिए अपना टेंट? यहीं पे हरा। तो भाई कोई भी यहाँ अगर आता है टेंट उंट लगाने, यहाँ देखो कितनी घास है, तो यहाँ सूखा है पड़ा हुआ, तो कृपया अपनी जो भी आप आग उग लगाएंगे वो सही करें। तो बस लोकेशन तो ये है, अपनी बैटमैन भी यहीं पे खड़ी है, और लौंडे हो चुके काम में शुरू। तो मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए साहिल भाई को बुलाना चाहूंगा। साहिल भाई अपना कैमरा पकड़िए भाई, अब आप ही बोलिए सब कुछ, मैं भी जरा काम करने जाता हूं। तो भाई सब सामान हमारा आ चुका है, और इसके बाद हम थोड़ा कैंप लगा रहे हैं, टाइम लैप्स लगा दिया हमने कैमरे, और ये हमारे लड़के लोग काम पे लगे हैं। तो पहले तब मिलते हैं आपको। Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth shut and I listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I keep my shoes on and I'm leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. बैटमैन आज बहुत काम करा है इस गाड़ी ने, बहुत ज़्यादा काम, तारीफ इस गाड़ी की। और यहाँ पे भाई लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है आगे यहाँ पे, तो ये कुछ दोस्तों ने यहाँ पे आग लगा रखी है, और ये कुछ गांव के लड़के मिले हमें जो हमारे साथी हैं। तो चलो भाई अब सीधा देख मिलते हैं रात को। तो गाइस अब हो चुका है बहुत ज़्यादा अंधेरा, और हमारा खाना भी तैयार हो ही रहा है। अरे सामने गांव दिखाई दे रहा है, कुड़ियाल गांव, और एक तो बन चुका है, एक बन रहा है वो सेक्सी की का इसमें सीटी लगी गाइस बिकॉज़ ये बढ़िया चिकन बन गया, और इस व्यू के साथ यार ये चिकन खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ नीचे पे हमारा कैंप है, हमने यहाँ पे आग लगाई है सॉरी चूल्हा जलाया है, मतलब अपना कूड़ा हम अपने साथ। ये जगह हमने इसलिए चूज की क्योंकि यहाँ
आग फैलने का डर है और आजकल तो भाई पहाड़ों में बहुत ज्यादा ही आग है, तो इसलिए हमने सोच समझ कर इस जगह को चूज किया है। सो गाइस, नाइट का व्यू ये है और हमारा कैंपिंग जोन स्टार्ट हो चुका है और हम खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारा खाना बन चुका है गाइस, और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है बट डर भी लग रही है यहाँ का सीन देखकर। और ये है साहिल भाई, आर्यन, अज्जू भाई और पवार जी। और बढ़िया सीन चल रहा है वैसे। और गाइस कैसा लग रहा है तुम्हें नाइट का व्यू? इस चीज में, इस जगह पे आना है तो जरूर कांटेक्ट करें एक बार। Yeah. One little boost to the surface later. The next morning. One's a company, two's a cracker, three's a party coming, move around like fresh brush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. आर्यन अपने पानी लेने गए गाइस, ये कुछ पानी। आर्यन दिखा तो कितना पानी लाया था। लॉन्डनों को हमने वहाँ बोला है कि तुम तब तक साफ सफाई करो जरा, क्योंकि जहाँ रहते हो वहाँ तो सफाई करनी है, नहीं तो गांव के लोग अगले दिन एंट्री नहीं देंगे। क्यों है आर्यन? देखो भाई, ये खाले का पानी, एकदम शुद्ध पानी। अभी लड़कों से मिलाते हैं आपको, अभी थोड़ा दूर है यहाँ से। इनके हालात दिखाता हूँ मैं। ओ हेलो, सुबह हो गई? पानी चाहिए? अच्छा, और कुछ? धन्यवाद, पानी चाहिए बस। पानी तो चाहिए था, सुबह उठ के मुँह हाथ धुलेंगे, पानी पियेंगे, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी। लाओ हाइड्रेटेड, सॉरी। वहाँ से प्लास्टिक के डब्बे लगते हैं यार। कहाँ गए तुम? खाले से लाए पानी इतने सुबह सुबह, और तुम साले तब से उठे ही नहीं। दो बोतल, ये कैन भी भरा हुआ है, और तुम लोग यहाँ सुबह ही नहीं हो रही तब से। ठीक है ना? और सुबह सुबह की वाइफ चेक करो आप। इस वाइफ के साथ 2 मिनट वाली मैगी मिल रही है भाई लोगों की। और यहाँ सुबह सुबह संघर्ष चल रहा है मैगी का, प्रेशर पे बन रही है मैगी। बहुत बढ़िया, अभी चिकन भी तो बचा हुआ है। चिकन विद मैगी, चिकन मैगी बनी थी पहले। और प्यारी सी धूप लग चुकी है, तो आप थोड़ा सफाई सफाई करते हैं यहाँ से और थोड़ी देर में निकलते हैं फिर। ये था हमारा कैंप। नींद भी जल्दी खुल गई थी, यहाँ तो लोग स्कूल जाने लग गए हैं सुबह सुबह। हम भी जाया करते थे। तो भाई रोहित भाई की मैगी बन चुकी, कुछ ऐसी खाने में तो काफी अच्छी हो रही है। रोहित भाई चखना जा रहा, तुमने नहीं चखी अभी तक? बहुत बढ़िया हो रही है। तो भाई कैसी थी भाई मैगी बनी? सही बना रखी यार। किसने बनाई है? किसने बनाई होगी ये? अरे ऐसी ला रखा मैंने एक टीडी से नौकर। अच्छा, ये कैसे शेफ गाइस? डॉग लवर शेफ साहिल भाई फुल मजे उठा रहे हैं। खैर उनके पैर के हालात अभी ठीक तो है नहीं कुछ। अब गाइस इस तरह के लोकेशन पहुंच चुके हैं हम, अपने जहां कैंप लगा था वहां से निकल चुके हैं। साहिल भाई यहां पे, ये गैंगलैंड लौंडे अपने जो निकल रहे हैं। चलो भाई लौंडो, लौंडो ने मुंह भी नहीं धुलाया आज भाई। गाना तो कर यार बन, कॉफी रेड पड़ जाएगा भैया।
भाई तो मेन वजह ये वीडियो ना बनाने की वहां से, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। अब मेरे फोन का यहाँ चार्जर भी है नहीं, साहिल भाई की गलती, साहिल भाई घर से चार्जर नहीं लाए। मेरा गाड़ी पे है भाई, तो इसका गाड़ी पे गाइस, मेरे फोन का बैटरी लो होने वाली है। लौंडे निकल चुके हैं अभी यहाँ से, कितना किलोमीटर होगा जाने के लिए? 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल, मतलब पैदल ही रास्ता, पैदल ही समझ ले, बाइक ही जा रही है। हाँ तो चलो गाइस, अब मिलते सीधा घर पे।